वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन कौंसिल SEFC के इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर शाह, जाम खान शोरो, अली हसन जरदारी, जुल्फ़िकार शाह, दोस्त अली राहिमो, कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी मुसद्दिक अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सियाहत को तरक्की देने के लिए सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। सियाहत के लिए गोरख हिल, कैंजर झील और हालीजी झील को बेहतरीन सियाहती मुकाम बनाना है। उन्होंने कहा कि गोरख हिल स्टेशन पर जैतून के पौधे लगाने से मईशत को तकवीत मिलेगी, जबकि गोरख हिल की सैरगाहें, सड़कें, होटल और दीगर सियाहती मुकामात को भी बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची तदादू वाया गोरख एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज पर भी काम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ग्रीन टूरिज्म के साथ सियाहती मुकामात को तरक्की देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने हालीजी झील की 6 किलोमीटर सड़क बनाने की हिदायत दी। इजलास में डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स की तरक्की पर भी गौर हुआ, जबकि इजलास में फैसला हुआ लोअर नारा केनाल को लाइन किया जाए, जिसके लिए एरीगेशन डिपार्टमेंट प्रपोजल देगी। लाइनिंग से मुकामी ज़राअत को फायदा होगा, जबकि छोड़ के इलाके में ज़रई फॉर्म PPP मोड पर करने की तजवीज पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ज़राअत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के तहत ज़रई फार्म बनाने के लिए मॉडल तैयार करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़रई फार्म कायम करने का ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें पानी के दीगर ज़राए ढूंढे जाएं।